अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल एम फिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9, ट्रांसफर ऑफ हीट। हम डिस्कस करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस को। तो हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 9.2 एंड 9.3। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9.4 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9.4 है, व्हाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेज। गैसेज में कंडक्शन ऑफ हीट क्यों नहीं होती है? कंडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से होती है ये? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। एंड मॉलिक्यूल्स शुड बी क्लोज। मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए? एक दूसरे के करीब होने चाहिए। इन गैसेज मॉलिक्यूल्स आर नॉट फाउंड क्लोज टू ईच अदर। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब नहीं होते हैं। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो नॉट प्रेजेंट, और फ्री इलेक्ट्रॉन भी इसमें नहीं मौजूद होते। देयर फॉर कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेज। इस वजह से कंडक्शन जो होती है वो गैसेज में नहीं होती है। रीजन क्या है हमारे पास कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद होते, और साथ साथ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, एक दूसरे के करीब नहीं होते हैं। जबकि सॉलिड में कंडक्शन होती है। क्यों? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी आपस में फोर्सेस के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो कि इस वजह से जो होती है कंडक्शन ऑफ हीट टेक प्लेस होती है सॉलिड्स में, जबकि फ्लूड्स में, लिक्विड्स में या फिर गैसेज में कंडक्शन ऑफ हीट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 9.5 है, व्हाट डू यू सजेस्ट टू कंजर्व एनर्जी इन हाउसेज। आप क्या सजेस्ट करेंगे एनर्जी को कंजर्व करने के लिए घरों में? फॉलोइंग मेजर्स मे बी टेकन प्लेस टू कंजर्व एनर्जी। फॉलोइंग मेजर्स ले सकते हैं हम। हॉट वाटर टैंक शुड बी इंसुलेटेड। हॉट वाटर टैंक को क्या होना चाहिए? इंसुलेट होना चाहिए बाय प्लास्टिक और फॉर्म लैगिंग है। यहाँ पे हमारे पास और आएगा, और फॉर्म लैगिंग है, यानी कि फॉर्म लैगिंग के साथ इसके साथ इंसुलेट होना चाहिए। जो टंकियां हमारे पास ऊपर पड़ी हुई हैं, पानी की टैंक, वाटर टैंक्स पड़े हुए हैं, उनको प्लास्टिक के साथ इंसुलेट करना चाहिए या फिर फॉर्म लैगिंग के साथ इसको इंसुलेट करेंगे, तो इस तरह हमारा पानी की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, कंजर्व रहेगी। पानी वैसे का वैसा ही हमारे पास मौजूद रहेगा। वॉल कैविटीज शुड बी फिल्ड विद फॉर्म और वूल। जो वॉल कैविटीज हैं, दीवार के दरमियान में खला है, उनको फिल करना चाहिए कैसे? फॉर्म के साथ या फिर वूल के साथ फिल करना चाहिए। इस तरह हमारे पास एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। एनर्जी कंडक्ट नहीं होगी या फिर रेडिएट नहीं होगी, या फिर हम कह देंगे उसको कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं होगा। तो आगे है हमारे पास है डबल ग्लेज्ड विंडो और पैंस शुड बी यूज। डबल ग्लेज्ड विंडो पैंस को होना चाहिए, यूज करना चाहिए, ताकि हमारे पास एनर्जी जो है घरों में, हीट एनर्जी वो कंजर्व रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूड्स टेक प्लेस बाई कन्वेक्शन। यानी कि जो फ्लूड्स में हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन के जरिए होती है, ऐसा क्यों है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम कहते हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसकी वजह से होती है? मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से होती है। इन फ्लूड्स द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी इजी। यानी कि फ्लूड में तो मॉलिक्यूल्स की मोशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, गैसेज में भी ऐसे ही होता है, तो इसी वजह से ये बहुत ईजी है। सो ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूड्स टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन। जो फ्लूड्स में जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है वो किसकी वजह से होती है? कन्वेक्शन की वजह से होती है, कंडक्शन की वजह से नहीं होती। कंडक्शन के लिए मॉलिक्यूल्स को आप एक दूसरे के करीब होना चाहिए, जबकि फ्लूड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कन्वेक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर होती है फ्लूड्स में। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट से क्या मुराद है? 9.7 है हमारे पास, तो इसका आंसर ये है कि गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, दस कन्वेक्शन करंट्स आर इजीली सेटअप। यानी कि गैसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं? एक्सपेंड करती हैं हीट होने के ऊपर। ये इसी वजह से कन्वेक्शन करंट क्या हो जाता है? इजीली सेटअप हो जाता है, ड्यू टू डिफरेंसेस इन डेंसिटीज ऑफ एयर। एयर की डेंसिटीज की वजह से होता है। कैसे है? हॉट एयर हैज लो डेंसिटी। हॉट एयर की जो होती है, गर्म हवा की जो होती है, वो क्या होती है? लो डेंसिटी होती है। सो दिस लो डेंसिटी एयर राइजेज अप, ये ऊपर चली जाती है, एंड हाई डेंसिटी एयर कम्स डाउन। और जो हाई डेंसिटी एयर होती है, जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। इन दिस वे कन्वेक्शन करंट टेक्स प्लेस। इस तरह हमारे पास कन्वेक्शन करंट क्या होता है? टेक प्लेस होता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट कहते हैं कि हमारे पास जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाए और कोल्ड एयर जो है नीचे की तरफ आ जाए। जिस तरह हमारे पास लो डेंसिटी एयर जो है वो ऊपर की तरफ चली जाए और हाई डेंसिटी एयर नीचे की तरफ आ जाए, जिससे हम लैंड ब्रीज या फिर सी ब्रीज कहते हैं। तो ये क्या होता है? कन्वेक्शन करंट को प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज़।